अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेज चना दाल पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। अगर आपको कहीं जाना है या आप मार्केट से थके हुए आए हैं या बच्चों को जल्दी से कुछ खाने को देना है तो आप इस पुलाव को बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुलाव बनाने के लिए हम एक कुकर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, 2-3 पीस दालचीनी के हैं, 2 तेज़पत्ता है, 4 से 5 लौंग है। ऑयल गर्म हो गया है, सभी खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज, मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज लेके उसके स्लाइस कर लिए हैं। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे ही ट्रांसलूशन हो जाएगी तो हम इसमें और मसाले ऐड कर देंगे। देखिए प्याज फ्राई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 हरी मिर्ची जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है, और 2 सूखी वाली लाल मिर्ची है, इन्हें भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस 1 ही चम्मच ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। इसमें ऐड करेंगे हम आलू, मैंने 1 लार्ज साइज आलू लेके उसे कट कर लिया था, और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कप मटर, आप फ्रोज़न भी ऐड कर सकते हैं, और 1/2 कप गोभी ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास है या जो सब्ज़ी भी आपको पसंद है वो ऐड कर लें। सब्ज़ी को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए सब्ज़ी थोड़ी फ्राई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लेके उन्हें कट कर लिया है वो ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, मिक्स करेंगे और इन्हें जब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो टमाटर और सब्ज़ी है वो थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए, ये टमाटर का जो भी पानी है वो ड्राई ना हो जाए। इतना हमारी सब्ज़ियाँ पक रही हैं, मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देती हूँ। मैंने 2 कप चावल लेके इन्हें आधा घंटा पहले भिगो दिया था, इन्हें अच्छे से वॉश किया और इन्हें भिगो दिया था, और 1/2 कप दाल लेके उसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आपके दाल भिगोना याद नहीं रही, आप भूल गए हैं, तो आप गर्म पानी ले उसमें 1/2 घंटा पहले भिगो दे, चावल के साथ ही भिगो दे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। देखिए अच्छे से फूल गई है वो सब्ज़ी, भी हमारी पक गई है, टमाटर का जो भी पानी था वो सब ड्राई हो गया है। एक बार अच्छे से चलाएंगे। इसमें ऐड करेंगे हम चना दाल, दाल का हम पानी निकाल देंगे, पानी के साथ ऐड नहीं करेंगे, उसका पानी निकाल देंगे, मिक्स करेंगे। दाल को भी हम सब्जियों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए अच्छे से भुन गई है। इसमें ऐड करेंगे हम चावल, और चावल का भी पानी हम निकाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम पानी, मैं 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप दाल थी और 2 कप चावल, तो इसलिए मैं 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड करिएगा। इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया, और मेरे पास 2-3 लाल मिर्ची पड़ी थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दें। इस पॉइंट में इसका नमक चेक करेंगे और नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1 चम्मच नमक पहले डाला था और 1.5 चम्मच नमक अब डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करिएगा। मिक्स करेंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। देखिए इसमें बॉईल आ गया है, एक बार चलाएंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे ना तो सब्ज़ियाँ सारी ऊपर आ जाएंगी और चावल नीचे रह जाएंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, मिक्स करेंगे।
हल्के हाथों से चलाएंगे, नहीं तो हमारे चावल टूट भी सकते हैं। देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, इसे कवर करेंगे और एक सीटी लगाएंगे। कवर कर देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए इसमें सीटी लग गई है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ होने देंगे। देखिए इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है, खोल लेते हैं। वाह देखिए माशाल्लाह देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये झटपट बनने वाला पुलाव है और बहुत हेल्दी भी है। ऐसे तो बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं, इस बहाने से बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और एकदम खिले खिले चावल बने हैं, बच्चे तो देखते ही खुश हो जाएंगे। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएगा और आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वेज चना दाल पुलाव पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।